हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। वहीं चुनाव को लेकर आम जनता में उत्साह है। जनता टीवी के संवाददाता इंद्री इल हल्के के सबसे बड़ी पंचायत कुंजपुरा पहुंचे। चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है, इस बारे में लोगों से बातचीत की। पंचायती राज का चुनाव लगभग सितंबर में उसकी घोषणा होने वाली है, क्योंकि सरकार ने पहले ही कह दिया था कि सितंबर माह में ये पंचायती राज के चुनाव कर दिए जाएंगे। और आज हम यहाँ, यह गांव जो है कुंजपुरा गांव है, जो सबसे बड़ी पंचायत इंद्री हलके की मानी जाती है, लगभग 10,000 से ज्यादा वोट यहाँ पर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी विधानसभा का वो गांव जहां पर हार जीत का फैसला ये कर सकती है, ये इतनी बड़ी पंचायत है। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहां पर ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे हम राय जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायती राज के चुनाव में चाहे वो सरपंच हो, ब्लॉक समिति का सदस्य हो या जिला परिषद का सदस्य हो, वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे चुनाव होते हैं और छोटे चुनाव कहीं ना कहीं भाईचारे का भी ये चुनाव माना जाता है। छोटे चुनाव में अक्सर हार-जीत का फैसला एक एक वोट पर हो जाता है और जिसकी छवि अच्छी होगी उसी को लोग चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे। हालांकि 1-1.5 साल से चुनाव नहीं हुए, कहीं ना कहीं विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। तो आज हम बात करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, इन सभी लोगों का जनता टीवी पर स्वागत है। जी इलम जी, बताएं कि पंचायती राज का चुनाव की घोषणा होनी है और कैसा उसमें कैंडिडेट है। एक सप्ताह के अंदर अंदर पंचायती चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अभी जो ये डीसी आयोग जो बनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसके बाद जल्द ही चुनाव की घोषणा होगी। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव जैसा कि अभी तक जो विचार आया है वो 1 दिन पहले होंगे और पंचायत सरपंच और मेंबर पंचायत के चुनाव उससे अगले दिन होंगे। और इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी प्रत्याशी आए वो समाज सेवी हो, उसके पास पूरा समय हो, उसको अगर वो खुद साफ छवि का होगा, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का कोई जिस प्रकार बोलते हैं कोई ऐब नहीं होगा, कि उसका जो चरित्र है वो समाज को सभी को पता होता है भाई, सभी उस किसी प्रकार के बहकावे में ना आए, किसी लालच में ना आए, अपना प्रत्याशी निष्पक्ष चुने जो आपके काम आए, दिन रात आपके साथ खड़ा रहे, जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा हो, जो दलाली ना करे। पंचायत का चुनाव है, जैसे कि सरपंच पूरे गांव के एक किस्म का मालिक होता है, तो विकास कार्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं देरी से चुनाव होने में। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि बीच में जो कोरोना काल आया उसकी वजह से सारा ही सिस्टम देश का क्या पूरे विश्व का बिगड़ गया। उसके उसको पटरी पर लाने के लिए बहुत सी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सरकार ने, मोदी सरकार ने कितना जो 80 करोड़ लोगों को जो पेट पालने का, जो उनको भूखा नहीं सोने दिया, ये जो काम किया ये एक बहुत बड़ा काम था। और धीरे धीरे जैसे व्यवस्था ठीक हुई उसके बाद ये कोर्ट के अंदर भी एक जो 50% जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया था उसके खिलाफ कुछ महिलाएं अपने अधिकार के लिए गई भी, जो 50% हमारा आरक्षण है उससे जो अलावा जो जनरल सीटें हैं जहां पर ओपन है उसमें भी महिलाओं का लड़ने का अधिकार होना चाहिए, ये बात उनकी भी जायज थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें आपस में तालमेल तो बिठा करके रखना पड़ेगा, प्रतिनिधित्व सबको मिलना चाहिए, सब चाहते हैं अभी हमें प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए समान रूप से सब जो भी जिसके अंदर जो क्वालिटी है वो आगे आए, इसका सरकार भी पूरा ध्यान रखेगी और जनता को भी इस चीज का, जो गांव की जो सरकार है ग्राम पंचायत उसको अब एक बहुत बड़ा अधिकार होता है। जिस प्रकार से विधानसभा है उसी प्रकार से ग्राम सभा की बैठक होती है, उसके अंदर गांव के विकास के एजेंडे तैयार किए जाते हैं, उसके अंदर सभी ग्रामवासियों को भाग लेना चाहिए। कहीं इस प्रकार से होता है गांव वालों को पता ही नहीं होता भी ग्राम सभा कब हुई थी, क्योंकि वो अपने ही मोहल्ले पड़ोस में अपने निजी व्यक्तियों को बुला लेते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए ग्राम सभा की आज बैठक है, उसका पूरा एजेंडा होना चाहिए, उससे पहले मनियादी होनी चाहिए और पूरे गांव के लोगों को उसमें सकारात्मक रूप से चर्चा करनी चाहिए ताकि सभी की उसमें भागीदारी हो, मेरा तो ये मानना है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि साफ छवि का आदमी चाहिए और साफ छवि का आदमी और जब निष्पक्ष रूप से वह कार्य करेगा तो निरंतर ही गांव में विकास कार्य होंगे। जी आप भी बताएं।
सरपंच तो गांव में ऐसा होना चाहिए जो किसी का पक्षपात ना करे, काम पे ध्यान दे, किसी के साथ विरोध बाजी ना करे। और भी कहीं पक्षपात कर जाते हैं काम करने में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साफ सफाई वाला हो, पीछे जो हमारे गांव में सरपंच बने हैं कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल हुई है, उन्होंने पक्षपात किया है। कोई नया चेहरा आके अच्छा कार्य करे, ऐसी हम अपेक्षा करें। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि पक्षपात ना करें, सभी को साथ लेकर के विकास करें। जी आप, मेरा ये मानना है कि जो भी हम उम्मीदवार चुनते हैं वो हमारे हाथ में होता है, सब आते हैं उम्मीदवार बन के, लेकिन हमें एक ऐसे उम्मीदवार को ही चुनना चाहिए जो ईमानदार हो और निष्पक्ष भाव से समाज की सेवा कर सके। सबसे पहले मैं जनता टीवी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा ये कार्य किया, और मैं ये चाहता हूँ कि जो सरपंच प्रतिनिधि चुना जाए वो बिना जाति पाति का, जिसमें भेदभाव ना रखता हो, और समक्ष जो पूरे गांव का विकास की बात करे, और उसको जो अपने गांव के जो खेल कूद की व्यवस्था करना, स्टेडियम बनाना, ताकि हम बच्चों को भविष्य खेल कूद को बढ़ावा देकर बच्चों को भविष्य आगे बढ़ा सके, और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो बीमारी किसी को ना जाना पड़े, तो ऐसे व्यवस्था लगभग सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए गांव में, जो कि नहीं हो पाती, जो कि सरपंच नहीं इन पे ध्यान देता, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रतिनिधि चुन के आना चाहिए जो इन व्यवस्थाओं पे ध्यान दे और इसको हमेशा तत्पर रहे। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा अब बहुत से ऐसे कार्य हैं जो गांव देख भी नहीं पाते, भी अगर ये एक कड़ी होती है सरपंच सरकार के द्वारा मिलना, अगर अपने गांव की समस्या सरकार तक नहीं पहुंचाता तो वैसे प्रतिनिधि चुन के भी क्या करेंगे हम। और प्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि अपने जो गांव वासियों की बात है वो सरकार तक पहुंचाए और आली जामा बनाने का काम करे। आमदनी बहुत है जी यहाँ पर, और वो जो विकास कार्यों पे लगाई जाती है, तो अभी तो दो साल से अभी कोई कोरोना काल में नहीं हो पा रहा विकास कार्य, वो अधिकारियों से बातचीत होती है लेकिन अधिकारी सुन नहीं पाते, काफी पीछे पीछे हो चुका है विकास कार्यों में अपना गांव। हाँ सड़कें काफी सुधार तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। अधिकारियों के पास जाते हैं सिर्फ वो एक बहाने लगाते हैं कि अब पंचायत इलेक्शन नहीं हो पाए, हमारे हाथ में पावर नहीं है। अब वो जो प्रतिनिधि है वो भी ये कह के बहाना बना देता है कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो अब सरकार क्या करे। जी देखिए, सभी की एक ही इच्छा है कि सरपंच सबसे पहले तो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि पढ़ा लिखा सरपंच होगा तभी वह विकास कार्य भी सही ढंग से करवा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में आता है कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और छोटे छोटे कामों के भी अधिकारी उनको परेशान करते हैं। यदि पढ़ा लिखा सरपंच होगा तो इस प्रकार की समस्याएं भी सामने नहीं आने पड़ेगी। और साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि उनको प्रतिनिधि कैसा चाहिए। पंचायत के बारे में जो हमारी सरकार और तो 50% आरक्षण दे रही है, सबसे पहले तो वही और सरपंच का काम करना चाहिए। सरपंच कौन तो उनको बना देते हैं, पूछते उनको 5 साल कोई है नहीं, ना वीडियो पूछता ना सर्टिफिकेट पूछता, उनका मालिक काम करता है। सबसे पहली बात तो यह सरकार को ध्यान देना चाहिए, एक ईमानदार होना चाहिए, 99% ईमानदार नहीं बन दे सकते, सरकार की पूरा होना चाहिए इसके। तो मेरे तो कहना यही है जो कि सरपंच और तुम बनाओ उसको सरपंच जी खुद करना चाहिए। देखिए और साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार के सरपंच चाहिए, किस प्रकार की। जी बताएं। नमस्कार जी, सरपंच एक ऐसा होना चाहिए जो गांव का विकास करवा सके, ये नहीं कि जैसे ही हम अड्डे पे जाते हैं और इधर ये सारी पोलथीन और कूड़ा करकट सारा पड़ा हुआ है, उसको सरपंच साहब को कई बार बोला है भाई इसकी सफाई किए जाए, वो यही बात बोलता है भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और इसके विषय में हम BDPO साहब और कई जगह भी जा चुके हैं भाई यहाँ की सफाई हो, क्योंकि यहाँ पर ये गांव वाले ही आगे कूड़ा करकट घेरते हैं। सरपंच साहब को भी बोला है, BDPO को बोला है भाई यहाँ पर या तो कोई बंदा या चौकीदार लगाए जो ये कूड़ा करकट लेके आते हैं ये मोहल्ले वाले, यहाँ पे ना गिरवाए इसको, कहीं और गिराया जाए। और बस यही कहना चाहूंगा भी सरपंच हो तो गांव के बारे में ही गांव के बारे में ही सोचे और ही जातिवाद का वो ना करे। धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो देखने को मिला है कि जातिवादी से ऊपर उठ करके कोई पक्षपात ना करे, विकास कार्य कराएं, जिस प्रकार की समस्याएं अभी लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे वह सफाई की व्यवस्था हो
या अन्य विकास की हो, सभी काम रुके पड़े हैं। और अब उम्मीद है कि जल्दी ही ये चुनाव होंगे और जल्दी चुनाव होने के बाद जैसे ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे उसके बाद विकास कार्य भी जो है निरंतर सही ढंग से चलेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी, मैं इंद्री से विजय काम्बोज।